नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज पांडे एक बार फिर आपके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूँ। इससे आप सभी लोगों को हमारे आसपास होने वाले हलचलों, दैनिक गतिविधियों पर भी विशेष जानकारी मिलेगी। चूँकि आज का अध्याय हमारा फिर से पर्यटन दिवस को लेकर है, पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हर साल 27 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑर्गेनाइज करते हैं। दुनिया के हर हिस्से में हर संगठन के लोग मिलकर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इससे होने वाले फायदों के बारे में चर्चा करने के लिए या इसके प्रमोशन के लिए वर्ल्ड टूरिज्म डे का आयोजन करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटी सी क्विज लेकर आया हुआ हूं। ये बहुत ही बेसिक सवाल हैं और जिसमें आपको कुछ समय दिया जाएगा उसका जवाब तलाशने के लिए, थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर डालने के लिए, पर्यटन और पर्यटन से जुड़े हुए उसके आयामों पर एक थोड़ा सा आपको हम लेकर चलेंगे। तो 10-12 सवाल हैं लेकिन हैं बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप हर सवाल के हर ऑप्शन को भी पढ़ें तो आपका बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए आज के अध्याय में। बिना समय गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का अध्याय, दैट इज अबाउट वर्ल्ड टूरिज्म डे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू इज अबाउट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे सवाल आपके सामने है और आप इसका आंसर तलाशने का प्रयास करें। टूरिज्म डे को ऑर्गेनाइज करने का आज से कई साल पहले शुरुआत की थी हमारे UNWTO ने। इसको करने के पीछे कारण यह था कि पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए, इसके लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसके प्रमोशन के लिए UNWTO एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करते, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने इसको आज से कई साल पहले, मैं वह साल इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगले सवाल में आपको जानना होगा, उसका आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो थीम का मतलब है ग्लोबली लोग एक ही विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस बार का 2023 का थीम क्या है, आप इस पर सोचिए। तो रीथिंकिंग टूरिज्म या टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिंग माइंड्स, क्रिएटिंग द फ्यूचर और लिव इट टू बिलीव इट, क्या ये सब है? आप देखिएगा, आप लोगों में से आजकल जो अखबार पढ़ता होगा या वीडियोस देखता होगा यूट्यूब में अच्छे, या फिर जो न्यूज़ वगैरह रोज सुनता होगा तो उसे इसका आंसर मालूम होगा। तो वी विल गो टू फाइंड आउट द आंसर इज टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। यस, फाइन। सो थीम क्या थी? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज सिलेक्टेड टू होस्ट द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023। दैट मीन्स सिटी, नॉट कंट्री। द क्वेश्चन इज सिटी, कौन सा शहर 2023 के वर्ल्ड टूरिज्म डे को होस्ट करने के लिए तैयार है इस वक्त? तो देर आर 4 ऑप्शन फॉर यू, दैट इज रियाद, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, डेनवर, पेरिस और बाली। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप जरा सोचिए और बताने का प्रयास करें कि कौन सा वह शहर है जो वर्ल्ड टूरिज्म डे को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं तो दैट आंसर इज रियाद, सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी। तो ये एक हटकर के चीज समझ में आती है। गल्फ देशों में हम लोगों ने देखा कि दे आर वेल डेवलप्ड कंट्रीज इटसेल्फ, तो पर्यटन इन ऑन डेजर्ट असंभव था। एक रेगिस्तानी जोन में अगर आप पर्यटन की संभावना को तलाशते हैं तो वी डू नॉट फाइंड अ मोर स्कोप बिकॉज देर इज नो वाटर, देर इज नथिंग लाइक नेचुरल आर्टिकल्स फाउंड ओवर देयर। बट इवन वी वेन एवर वी टॉक अबाउट दुबई, वेन एवर वी टॉक अबाउट बहरीन, वी टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, वी टॉक अबाउट कुवैत, वी टॉक अबाउट दैट दो अदर कंट्रीज नियर बाय, यू नो ऑल द कंट्रीज लोकेटेड इन गल्फ कंट्रीज, दे आर well established, they are well constructed, even they are one of the best tourism destinations of the world nowadays. So ये एक अलग से सवाल आता है कि इतने बड़े रेगिस्तान जहां पर असंभव था वहां पर जीवन कितना आसान बना दिया है लोगों ने, और दे पीपल आर गोइंग टू
सेलिब्रेट, दे आर गोइंग टू होस्ट वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 रियाद. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, दैट इज विच ईयर वॉज वर्ल्ड टूरिज्म डे एस्टेब्लिश्ड. मीन्स सबसे पहले इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई है, किसकी, वर्ल्ड टूरिज्म डे की. बिल्कुल सही सवाल है और जवाब आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा, तो देखने प्रयास करें वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत कब से हुई है. सवाल क्या है, व्हेन वाज द वर्ल्ड टूरिज्म डे स्टार्टेड बीइंग सेलिब्रेटेड. दैट द आंसर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस इज 1980 में 27 सितंबर 1980 से UNWTO, इसका डिटेल आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, UNWTO ने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करा था. द रीजन बिहाइंड इज दैट दे पीपल थॉट कि टूरिज्म को हम अपने तक सीमित ना रख के ग्लोबली इसको एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे, इसको कैसे समझाएं, कैसे बताएं लोगों को, इंटेंशन कैसे दें. इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि कैसे हो, क्या मतलब है थीम्स का या कोई भी डे सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या है. सी, बहुत सालों पहले कई बीमारियां हो जाती थी जिनका इलाज संभव होते हुए भी लोग उसको उसका डायग्नोस नहीं होने की वजह से समाधान नहीं निकल पाता था. तो लोगों को जागरूक करना, जागरूक शब्द को पकड़ के चलना, लोगों को जागरूक करना कि इस प्रकार के सिम्टम यदि आ रहे हैं तो दैट में बिकम अ रीजन ऑफ हैजा कॉलेरा, दैट में बी रीजन ऑफ मलेरिया, दैट में बी रीजन ऑफ डेंगू, दैट में बी अ रीजन ऑफ द कोरोना. तो ये जब मुझे सिम्टम मालूम है तो अकॉर्डिंगली मैं इलाज पर जाऊंगा. दैट सॉल्यूशन कहाँ है, जहां पर उसका एक कारण पता चल जाए. तो वही चीज इन्होंने किया, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमने उस डे को सेलिब्रेट करना शुरू करा. तो लोगों को पता चला कि टूरिज्म नाम की चीज होती है, टूरिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको समझना. कब से, 1980 से. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNWTO. आप लोगों से कई लोग टूरिज्म का अध्ययन कर रहे होंगे, कई सारे नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान सवाल है. और पहले ये आज अब ये पहले UNWTO था, अब ये WTO ही रह चुका है. इसका फुल फॉर्म आउट ऑफ ऑल दीज क्या है, इसको आप लोग समझें. देर आर फोर ऑप्शंस, इनको आप पढ़ें. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ ऑल दीज. सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. We will move to the next question, that is about which country hosted the World Tourism Day in 2022. पिछले बार आज से एक साल पहले, अभी जैसे रियाद की बात चली थी, तो पिछली बार कौन सा कंट्री ने इसको सेलिब्रेट किया था, बाली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर अमेरिका, आउट ऑफ दिस किसने 2022 में किसने सेलिब्रेट किया था. यहां पर आप लोगों को एक एडिशनल सवाल जो आपके दिमाग में डाल जाता हूं, आप फाइंड आउट करना 2022 की थीम क्या थी. जैसे इस बार ग्रीन इन्वेस्टमेंट है, उस बार की थीम क्या थी. ये कई सारे लोग जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी डिटेल्स आप लोग फाइंड आउट करें. विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन 2000, आंसर इज बाली, द सिटी ऑफ इंडोनेशिया. क्वेश्चन सिक्स इज हु प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ मार्केटिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑन September 27 और द फाउंडर ऑल्सो. अब एक और बात, वह व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ना सती प्रथा, एक हमारे वहाँ एक बहुत बड़ी कुरीति चला करती थी, कोई आया जिसने इसका अपोज किया, उस वक्त भी उस व्यक्ति के लिए इसका विरोध कर पाना पूरे समाज से लड़ाई लेनी थी. आज हमको यहाँ पर बैठ करके 21वीं सदी में कितना आराम से बैठ करके हम कह पा रहे हैं, सती प्रथा नाम की भी एक चीज़ थी और हम उस पर खिल्ली उड़ा रहे कि लोग उसको फॉलो करते थे, लेकिन उस समय के परिवेश के हिसाब से लोग उसको मन से एक्सेप्ट करते थे और उसका विरोध करने वाला अकेला था या कुछ लोग थे, दो चार लोग. देखिए समय के साथ बदलाव आए, उसने शुरुआत की, धीरे धीरे सती प्रथा को आज खत्म कर दिया गया है. कोई भी चीज जब शुरू होती है तो जीरो से शुरू होकर के आगे बढ़ती है, वह अच्छी दिशा में होती है. तो एक व्यक्ति जिसने वर्ल्ड टूरिज्म डे ग्लोबली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कदम उठाया था, वह इनमें से कौन था. डेफिनेटली ही इज अ पर्सन नन बिलोंग टू इंडिया, ऑल्सो इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, द नेशन ऑफ आउट ऑफ इंडिया, दैट सुपाचाई, पास्कल लेमी एंड रोबर्टो एजेवेडो एंड इग्नातियस अमेदुआ अतिबी.
ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपने सोच के बताना है कि हु वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे, हु नॉमिनेटेड दिस डे एज बीइंग सेलिब्रेट फॉर टुवर्ड टूरिज्म डे। सो द आंसर इज द नाइजीरियन नेशनल इग्नाटियस अमेदुआ अतिबी। गो टू द गूगल एंड सर्च मोर अबाउट इट, गो टू द विकिपीडिया, ही इज नो मोर नाउ नाउ, बट ही गेव अ ग्रेट आइडिया टू द वर्ल्ड अबाउट सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड टूरिज्म डे। नाउ क्वेश्चन 7 इज अबाउट हु इज द फादर ऑफ टूरिज्म। यह बिल्कुल आप टूरिज्म की क्लास का नर्सरी का क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर और फादर, इफ नॉट फाउंडर फादर ऑफ टूरिज्म। आउट ऑफ ऑल फोर ऑप्शंस, थॉमस कुक, राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय, श्री जी कृष्ण रेड्डी और नन ऑफ दीज। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री के फाउंडर के बारे में, सो यहां पर इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नाम भी दिए जा रहे हैं जो विच आर कॉमन इन बिटवीन। सो थॉमस कुक वन ऑफ द आंसर एंड राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय हु स्टार्टेड द ओबेरॉय फ्रेंचाइज इन ग्लोबल वन ऑफ द बेस्ट होटल्स ऑफ इंडिया, देन श्री जी के कृष्ण रेड्डी एंड नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज थॉमस कुक। थॉमस कुक ट्रेवल एजेंसीज में नंबर वन आज के समय में आप फाइंड आउट करेंगे तो विल फाइंड थॉमस कुक इज द फादर, इज नोन एज द फादर ऑफ टूरिज्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसका कुछ उद्देश्य है ना इस दिन को मनाने का, पोलियो का दिवस ऑर्गेनाइज करते हैं, घर घर जाके बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, अभियान चला हुआ है, कैंपेन चले हुए हैं, तो पर्पज होता है उसका, किसी चीज को पोलियो को खत्म करने के लिए हमें अभियान चलाया। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे क्या है कि टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहा है कि एक दिन हम सेलिब्रेट करें, ग्लोबली लोग सामने आए, आउट ऑफ द यू नो हमारा इतना दिन भर का काम है, एवरीबॉडी इज बिजी अमंग देमसेल्फ, बट वी हैव टू टेक आउट सम टाइम, फाइंड आउट सम टाइम टू रीथिंक अबाउट दिस, है ना। इसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नाउ टूरिज्म नहीं, अब इको टूरिज्म पर बात हो रही है, सस्टेनेबल टूरिज्म पर बात हो रही है। तो जो लोग बहुत ज्यादा कंसियस हैं टुवर्ड्स नेचर, दे पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म ऑल्सो। बट हियर वी आर एट द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड टूरिज्म। वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या था, क्या था, टू गो टू द हॉलीडे, घूमने फिरने जाओ, क्या ये कहना चाह रहे हैं, टू रेज अवेयरनेस ऑन द रोल ऑफ टूरिज्म विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया भर के समुदायों के बीच में अवेयरनेस फैलाना टूरिज्म के बारे में, या रेज अवेयरनेस आउट अबाउट पॉल्यूशन कॉज्ड बाय टूरिज्म, टूरिज्म से होने वाले प्रदूषण के बारे में बताना, या फिर टू सेल हॉलीडेज फ्रॉम टूर ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में जितने टूर ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा टूर पैकेजेस को भिजवा पाना, क्या ये हमारे कारण है, क्या ये उद्देश्य है टूरिज्म डे को ऑर्गेनाइज करने का। Look at this and find out the answer. I think this is very easy answer. So the answer is to raise awareness on the role of within the international community. दुनिया भर के समुदायों के बारे बीच में जाकर उनके बीच में टूरिज्म को फैलाना बताना, अवेयरनेस जागरूकता बनाना। The next question that is in front of is when do India celebrate National Tourism Day? अभी तक हम World Tourism Day की बात कर रहे थे, बीच में आ गया यह सवाल जो कह रहा है आपसे कि भारतवर्ष अपना पर्यटन दिवस कब मनाता है, 6 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 25 जनवरी। दैट गो टू द आंसर, फाइंड आउट द आंसर, दैट आंसर इज 25 जनवरी। कब मनाता है, 25 जनवरी। इंडिया का टूरिज्म डे कब होता है, 25। ग्लोबली कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज अबाउट हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया अंटिल 2023। यूनेस्को पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी आपके सामने, बहुत बेसिक पढ़ाई होगी उस पर, बहुत डीप नहीं जाएंगे हम, पहले इंडिया के यूनेस्को के जो हेरिटेज है उनको पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा दुनिया के पॉपुलर पढ़ जाएंगे। अभी का सवाल क्या कह रहा है, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया, मतलब जैसे ताजमहल है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी जगह के धरोहरों को संरक्षित करने के लिए अंशदान देता है, योगदान देता है, संरक्षित करता है, अपना बना लेता है, उसको गोद ले लेता है, समझ लीजिए ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे हायर एजुकेशन में यूजीसी है, यूबीटीईआर है, या फिर एआईसीटी है, ये क्या है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दोज हु लुक आफ्टर दीज बॉडीज। सो सिमिलरली वी हैव दिस यूनेस्को हु लुक्स आफ्टर दीज हेरिटेज प्रॉपर्टीज।
हिंदुस्तान में ताजमहल, हुमायूं का टॉम या फिर जयपुर सिटी, दीज ऑल आर डिफरेंट हेरिटेज बिल्डिंग्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स दो आर एडॉप्टेड बाय यूनेस्को। सो अभी कितने हैं टोटल हमारे देश के अंदर ही, कितने इसमें वो भी आते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसके अंदर आती हैं। सो कितने हैं टोटल लगा करके, 41, 42, 38 कितने हैं? देन द आंसर इज टिल 2023 42 हमारे पास यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। आउट ऑफ दैट एक अभी सितंबर में ऐड हुआ है, रिसेंटली 18 सितंबर को एक नया वर्ल्ड एक साइट हमारे साउथ की यूनेस्को ने एडॉप्ट की हुई है। क्वेश्चन 10 इज अबाउट इंडिया इज रैंक इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कहने का मतलब है इंडिया का इकोनॉमिकली वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या है? तो 42, 54, 36 या 46 में से ये आंसर है इसका 54 रैंक अब हम आते हैं कि इकोनॉमिकली हमारा इतना शेयर ग्लोबली है। ठीक है भाई, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हु इज द फादर ऑफ इंडियन टूरिज्म, हु इज द फादर ऑफ इंडियन टूरिज्म। कुछ देर पहले इस पर हम आए थे लेकिन अब और समझते हैं, जेआरडी रतन टाटा या राय बहादुर मनमोहन सिंह ओबेरॉय, इन दोनों में से एक को। इसमें ऑप्शन दो ही दिए गए हैं क्योंकि तीसरा नाम आने की स्थिति नहीं पैदा हो पाई। क्यों? अगर हम आईटीडीसी की बात करते हैं तो 66 लगभग में आया था, उसके बाद ललित लीला एक नए नए होटल्स या आईटीसी ये सब आना शुरू हुए, लेकिन ये इतिहास है जो आज हमको प्राउड फील कराता है अबाउट इंडियन होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। सो आउट ऑफ दीज कौन सही आंसर हो सकता है? That is राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय। इनकी कहानी अलग से पढ़ना, very interesting person who made us proud by constructing a standard of hotels, constructing a new definition of hotels to the world. So he is राय बहादुर मोहन सिंह ओबेरॉय। जैसे ओबेरॉय होटल के जो सबसे पहले ओनर थे, यानी कि शिमला से इनकी कहानी शुरू हुई थी, शिमला सेशन से उन्होंने सबसे पहले एक होटल को अपना लिया, सेसिल, शिमला सेसिल को क्लास का जो होटल था, उसके बाद धीरे 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 कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने ईस्ट इंडिया होटल्स की उन्होंने फॉर्मेशन किया। तमाम कहानी है, आज के लिए अगर आप चाहें तो यू कैन गो टू दिस, इट इज अ गुड टॉपिक फॉर यू। देन क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। एक थीम देते हैं तो ये बड़ा वो समझने वाला सवाल है, जब भी कोई हम थीम देते हैं, अगर जैसे वर्ल्ड जैसे एड्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसको जागरूकता फैलाने के लिए अगर उसमें पढ़ाई करते हैं बताते हैं, तो वी हैव अ कलर सिंबल ऑफ दैट। सो देयर इज द कलर सिंबल इज ग्रीन, रेड, पिंक और ब्लू में से इसके लिए कौन सा कलर है वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए, क्योंकि दूर से पहचान ले उसको कि हम क्या पर किस पर किसकी बात कर रहे हैं, तो थीम में दैट इज ब्लू, द कलर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ब्लू। हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। अब ये सवाल जो मैंने बताया था, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स या यूट्यूब में उनके अच्छे चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो दे कैन डेफिनेटली बी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। आउट ऑफ दैट द क्वेश्चन हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इंडिया, तो आप लोगों को पता होना है, ही इज श्री कृष्णन रेड्डी गंगापुरम। इनके बारे में आप और डिटेल पढ़ लेना, ही इज द करंट टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Which was the last added site from India to UNESCO World Heritage List? Yes, यही September 2023 में जो add हुई है UNESCO में हमारे site, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है आज, इसके बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप उल्टा चलना 23, 22, 21, 20, 19 ऐसे करके आपको पढ़ने में भी आसान लगेगा। हालांकि 1983-84 से हमारे हेरिटेज को लेना शुरू कर दिया था, बट अगर आप यहाँ पर भी पढ़ते हैं तो यू विल फाइंड दिस होयसालाज, अपने आप एक बड़ा लेक्चर इस पर बन सकता है। होयसालाज साउथ में, दक्षिण भारत में एक विशेष प्रकार की कलाकृति बनाई गई, जिसमें आप स्टार ये देखें अगर यहाँ पर, तो इसका स्टार प्रकार की जो बनाई गई है, इसमें अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पर तीन अलग अलग प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है। वह विष्णु भगवान को ज़्यादातर उसमें बताया गया है, उसमें अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो दिस सीरियल प्रॉपर्टी एंड एनकम्पासेस थ्री मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स ऑफ होयसाला स्टाइल्स टेम्पल्स
कॉम्प्लेक्सेज इन साउथ ईस्ट, यूनेस्को ने इसको अभी ले रखा है, यूनेस्को की साइट से ही हमने इसको ये एडिट जो कर रखा है, यूनेस्को की साइट से कॉपी पेस्ट है। तो ये पढ़ना है, यूनेस्को जब भी किसी साइट को लेता है वो इसलिए नहीं लेता कि किसी उस जगह की एक खूबसूरती उसकी दिखने में कैसा है, नहीं, उसके बनाने से लेकर के, कब बना था ये, 12वीं 13वीं सदी, आज से लगभग 1000 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर इसकी स्टडी की गई तो जो पूरा पत्थर का बना हुआ है, पत्थर भी कई प्रकार के होते हैं, स्टोन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, आउट ऑफ देम द पत्थर विच इज द स्टोन विच इज विच कैन इजिली बी कार्व्ड, इजिली बी कार्व्ड, जैसे मार्बल है दैट कैन इजिली बी कार्व्ड, कार्व्ड का मतलब इसको डिजाइन आर्किटेक्ट्स में आसानी से कर सकता है, वो स्टोन का इसका इस्तेमाल कर रखा है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर आप औरंगाबाद में अगर वो जो हमारे कई गुफाएं हैं उन पर अगर पढ़ाई करते हैं तो पता चलता है कि देयर इज ओल्ड कैलाश टेम्पल, तो वह भी सिंगल स्टोन से बना हुआ है। अगर आप डिटेल में पढ़ने भी जाएंगे तो सिंगल स्टोन में बना हुआ है, काफी बड़ी उसमें कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। सो सिमिलरली दिस कंस्ट्रक्शन कीप वेरी इंपॉर्टेंस इन योर स्टडी इन टूरिज्म बिकॉज इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय यूनेस्को आल्सो बाय 2023। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय इंटरनेशनल टूरिज्म अराइवल्स, ये क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछा जाता है। दुनिया का वह कौन सा स्थान है जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा घूमा जाता है, एक दुनिया का वह स्थान सबसे ज्यादा जहां पर इकोनॉमी जनरेट होती है वह स्थान, या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी सवाल पूछा जाता है, मोस्ट विजिटेड टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो अभी पूछ रहे हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा प्रिफर किया जाने वाला डेस्टिनेशन आज के दौर में कौन सा है, इधर चाइना, फ्रांस, यूएसए। मैं आपको तीन ऑप्शन में अगर बात करूं, आपके दूसरे ऑप्शन में भी यही तीन ऑप्शन रहते हैं, कभी यूएसए ऊपर आ जाता है, कभी फ्रांस, कभी चाइना, कभी चाइना नीचे, यही तीन रोटेट करते रहते हैं। देन द आंसर इज फ्रांस, द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज फ्रांस। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए चीजों को आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान तरीके से जो कॉन्सेप्ट बताने चले उसको बताएं। हम आपको इधर उधर न भ्रमित करते हुए सीधे पॉइंट की बात बता रहे हैं। अगर इन 15 सवालों पर चर्चा आप थोड़ा थोड़ा करें, उनके ऑप्शंस पर जाएं, तो यू कैन हैव अ गुड डेटा विद यू। सो सी यू वेरी सून विद द चैप्टर ऑफ यूनेस्को इंडियन हेरिटेज साइट्स। थैंक यू।